चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन थामने वाले गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल को मिली हुई 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद हार्दिक पटेल का बयान सामने आया है। हार्दिक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, झटका तो मेरे लिए नहीं है कि 25 साल की उम्र है, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है चुनाव लड़ने की मुझे। ये तो संवैधानिक तौर पे चुनाव लड़ने की उम्र हो गई है, तो सोचा कि पार्टी ने कहा है तो चुनाव भी लड़ते हैं। हाईकोर्ट का जो भी फैसला है उसका स्वीकार करता हूँ, जो भी आगे की रणनीति होगी मैं आपके सामने रखूंगा। इस दौरान हार्दिक पटेल ने भाजपा पर भी निशाना साधा है। लेकिन ये हकीकत है कि भाजपा ने जिस तरह से हमें रोकने के लिए, हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए जो प्लान किया है, हाईकोर्ट का जो फैसला हमारे खिलाफ है वो सिर्फ इसलिए हमारे खिलाफ है क्योंकि हमने जरूरत की थी सत्ता के सामने लड़ने की। अब देखने की बात है कि क्या होता है क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक मामला है तो कल तक क्लियर करके हम आप सभी को बताएंगे। बता दें कि हार्दिक को 2015 में मेहसाना में दंगा करने के आरोप में 2 साल की सजा मिली हुई है। इस सजा को रुकवाने के लिए वो हाईकोर्ट गए थे, जहां गुजरात सरकार ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।